यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से। होमगार्ड जवानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और अब होमगार्ड जवान जो हैं वो 26 अप्रैल को महापड़ाव करने की तैयारी में हैं। जी हां, होमगार्ड जवान अपने मांगों को लेकर अड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी तैयारी है और साथ ही सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में अब होमगार्ड के जवान दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर है पंचकुला से, जहां होमगार्ड जवान 26 अप्रैल को उन्होंने महापड़ाव करने का ऐलान किया है और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आवास का घेराव करने की भी अब तैयारी होमगार्ड जवानों की तरफ से की गई है। और ये भी बता देंगे आपको, अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं होमगार्ड के जवान। कई दिनों से हड़ताल पर हैं, कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और अब ये मूड बना चुके हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। और क्या कुछ खास रहने वाला है 26 तारीख को, इस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं पंचकुला से हमारी संवाददाता शशि अरोड़ा। शशि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अमन जी, तरीके से जो है होमगार्ड जवान है, कई दिनों से पंचकुला में धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो बर्खास्त कर्मचारी है उनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए और 365 दिन जो है काम दिया जाए। 14,000 पूरे प्रदेश में इनकी संख्या है, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बैठे हैं। हालांकि जो है सीएम के ओएसडी से इनकी मुलाकात हो चुकी है, तो उन्होंने बर्खास्त कर्मचारियों की इनसे पूरी लिस्ट मांगी थी, जिनमें से इन्होंने केवल 473 लोगों की जो लिस्ट है वो अभी सौंपी है। इनका कहना कि बाकी आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगकर बाकी दी जाएगी। इससे पहले कि सरकार की तरफ से कोई इनको कोई जवाब आता, इससे पहले इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया अपने साथियों को, सभी को जो कि प्रदेश के अलग अलग जगह पर रहते हैं, 14,000 है जिनकी संख्या, और उनको पंचकुला में एकत्रित होने की बात कही और कहा कि अपना आंदोलन तेज करेंगे और 26 अप्रैल को इन्होंने जो है चंडीगढ़ में महापड़ाव डालने और सीएम आवास के घेराव करने की बात भी कही है। जी शशि, महापड़ाव में क्या कुछ रहेगा और इनकी तैयारी ये भी है कि सीएम के घर का आवास का घेराव किया जाए? बिल्कुल अमन, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, इनका क्या इन्होंने जिस तरीके से एक पत्र जारी किया है, जिस तरीके से 14,000 इनके जवानों की संख्या, सभी को पंचकुला बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने पूरे सामान के साथ ये पंचकुला पहुंचे, क्योंकि अब आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे, महापड़ाव पंचकुला में डालेंगे और इसके बीच में जो है सीएम आवास का घेराव भी करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। बिल्कुल शशि, देखा जाए कि ये भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब इनको पता है कि सरकार जाने वाली है, उससे पहले हो सकता है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए सरकार इनकी मांगे मान भी ले, तो इसी मौके का ये फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल अमन, जिस तरीके से जो ये इन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सीधा सीधा लिखा होता है कि जो होमगार्ड में जितने भी लोगों की तैनाती की जाती है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, लेकिन अब किसी न किसी तरीके से वही ये है सरकार पर जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी गुंडई हम इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं और कई चीजें, इनका ये कहना कि महा आंदोलन हम शुरू करने वाले, कई चीजें ऐसी भी जिसको डिस्क्लोज ये लोग नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि। तो 26 तारीख को महापड़ाव का ऐलान कर दिया है होमगार्ड जवानों ने और साथ ही ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा।